चांद पटेल जी, सारे सरकारों के प्रतिनिधि कह रहे हैं बहुत संवेदनशील है, बहुत गंभीर है, बहुत सख्त कार्रवाई करी है और सख्त करेंगे। जी अभी 250 mg गोली दी थी, अगली बार 650 mg गोली देंगे टाइप का है। इन सब बातों को परीक्षार्थी ओढ़े या बिछाए, सब लोगों ने अपने को खुद क्लीन चिट दे दी। जितनी पार्टियां सरकार में है यहां मेरे साथ बैठी, सबने क्लीन चिट अपने को दे दी, एक क्लीन चिट टाइप की मोहर लगा दी, बोले हम क्लियर। क्या तो ये गोविंद मिश्रा पर्चा आउट करा रहे कि उपेंद्र यादव की अमिताभ अग्निहोत्री? देखिए जहां तक राजस्थान नहीं, नहीं, राजस्थान नहीं, हम तो सबकी कह रहे भैया, क्या राजस्थान, क्या उत्तर प्रदेश, क्या मध्य प्रदेश, क्या गुजरात, क्या बिहार, सब में वही हाल है, सब धान बाईस पसेरी भैया। मैं जो अगली चीज कह रहा हूँ, राजस्थान की जो बात है उसमें कई जो पेपर आउट करने वाले लोग थे कांग्रेस के कार्यकर्ता थे। इस बार भी एक कार्यकर्ता की फोटो राहुल गांधी के साथ वो भारत जोड़ो यात्रा में भी शामिल था, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कोई ऐसा हमारा कोई, अभी आपने बोला कि पॉलिटिकल कनेक्शन है, पॉलिटिकल जो अपराधी है आरोपी है उनपे विधिसम्मत कार्रवाई की गई, उनके साथ कोई भेदभाव नहीं किया गया, उनको संरक्षण देने का काम नहीं किया गया है, इसलिए उत्तर प्रदेश में घटनाओं में कमी है। एक दो घटनाएं हुई है, उन पर सब पे बुलडोजर चला है, वो जेल के अंदर है, उनकी प्रॉपर्टी भी सीज करने का काम किया गया है। राजस्थान में राजनीतिक संरक्षण के तहत काम हो रहा है जिस तरीके से, इसलिए 8-8 घटनाएं वहां पर हो गई पिछले 2 साल के अंदर पेपर लीक की, क्योंकि उनके कांग्रेस के कार्यकर्ता उनके नेता ही उस पर लिप्त है लगातार। जी देखो प्रशांत बाबू, ठीक ठीक एक मिनट प्रशांत बाबू, मैं इसको राजस्थान मतलब कांग्रेस भाजपा की बहस नहीं बनाना चाहता, उससे क्या है सब अपराधियों को बच के निकलने का मिल जाता और सरकारें अपना कोर झाड़ के आनंद में निकल जाती कि हम तो पाक साफ है। मैं उस बहस में उसको वहां तक नहीं ले जाना चाहता, वरना हमको मालूम है जन्नत की हकीकत क्या है मित्र, हमसे ज्यादा किसी के पास रेडी रेफरेंस होगा क्या? मुझे तो गूगल भी नहीं देखना, आप सबको तो गूगल में भी ढूंढना पड़ता है, मेरे तो दिमाग में है चीजें। टीटी का पर्चा आउट हुआ था, जिसको पर्चा छापने के लिए दिया गया था वो किसकी सिफारिश थी, मैं नाम लू? इन सब चीजों में नहीं पढ़ो, कहीं तो खड़े हो भाई, ये हमारे आपके बच्चों का मसला है, भविष्य का। उपेंद्र यादव बहस को अगर मैं सरल करूं, क्योंकि कठिन बहस सबको बचने का रास्ता दे देती है, मैं बहुत कठिन कठिन शब्दों में एक घंटे खेल सकता हूं, लेकिन जनता कहेगी कि अग्निहोत्री जी ने समय खराब कर दिया, कोई अर्थ तो निकला नहीं। ठीक, अगर मैं इसको और फोकस्ड करूं, आप राजस्थान में रहते हो, घूमते हो, ठीक, ऐसा कोई धंधा जो शेडी हो, ठीक, शेडी समझते हैं जिसमें ग्रे कलर हो पार्ट, उसमें अगर लाख रुपया की भी अर्निंग है, क्या वो बिना शासन प्रशासन और नेताओं के संरक्षण के कोई माई कलाल कर सकता है? इसमें तो कई करोड़ों का मामला एक ही रात में क्लियर हो जाता है। क्या मैं ये मान, कोई ये मान सकता है कि जी न शासन को पता होता है, न मंत्री नेताओं का कोई लेना देना होता है, ये एलियंस आते हैं पेपर आउट कराते हैं, आकाश में जो इनके बैंक अकाउंट है वहां पैसा ट्रांसफर कर देते हैं, ऐसा मान ले? अमिताभ जी, राजस्थान में बाड़मेर और जालौर दो ही राज्यों के जिलों के यही नाम आते हैं जब भी भर्ती परीक्षा में, कुछ अपवाद है, उन दोनों जिलों को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं पुलिस प्रशासन और सरकार को भी पता है, क्योंकि जब पिछले रीट में कई जो बड़े, आप सही कह रहे हो, बिना संरक्षण नहीं चल रहा, राजनेताओं का पेपर माफियों का गठजोड़ है, इसलिए सीबीआई की जांच की मांग कर रहे हैं। बीजेपी कांग्रेस से आरोप लगाती है, कांग्रेस बीजेपी आरोप लगाती है, आपस में आरोप लगाकर युवा बेरोजगारों को सबके साथ खिलवाड़ किया जा रहा। सवाल यह है अग्निहोत्री जी, राजसूपा की मांग क्यों कर रहा हूं मैं, क्योंकि यहां मैं धरना प्रदर्शन के दौरान मैं जेल जाता हूं, मैंने अपराधियों को जेल के अंदर देखता हूं, वो कहते हैं हम तो 12,000 उद्योग धंधा है तो उनको लंबे समय तक नहीं रख पा रहे, वो बाहर आ जाते 2 महीने बाद, फिर वो युद्ध उद्योग धंधा बना देती है, तो उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, डर होना चाहिए, उनके खिलाफ जो कानून आया उसकी सख्त पालना होनी चाहिए, उनकी संपत्ति जब तक नहीं की जा रही, उनके 10 साल का सजा का प्रावधान किया उसको लागू नहीं किया जा रहा, तो अपराधियों में डर नहीं है, अपराधियों ने उद्योग धंधा बना दिया है और कहीं ना कहीं संरक्षण प्राप्त है, उस उद्योग धंधे को चौपट करना होगा। आप सतत अभियान चलाइए, आप नशाखोरी के खिलाफ अभियान चला रहे तो गिरोह के खिलाफ अभियान चलाइए, उनको चुनिए। आज अभ्यर्थी शिकायत नहीं कर सकते कि हम शिकायत किसको करें, 90 क्वेश्चन पहले के पेपरों के आगे, जो बस को पकड़ा गया है वो 3 दिन से चल रही थी, क्या पहले वाले पेपर सेफ है, वो लीक नहीं हुए, तो बचाने के बजाय
ठीक बात है, बचाने की बजाय पकड़ने की मंशा हो। गोविंद मिश्रा, मैं आपके पास यही वही सवाल थोड़ा दूसरे ढंग से लाता हूँ, किया क्या जाए? पर्चा आउट हुआ, हमने आंसू बहाए, दुख प्रकट किया है, जो लोग ताकत में है उनकी जेबें भरी, कुल जमा इतना सही कहानी है ना? जी। लड़के नौजवान की आंख में तब भी आंसू था, अब भी आंसू है। ठीक, मैं दो बात कहता हूं। एक, दक्षिण भारत में ऐसी समस्याएं अपेक्षाकृत नहीं आती कंपैरेटिवली, एक क्यों इस पर बोलिए। और दूसरी बात, कानून में कुछ भी लिख दें हम, क्या ये भी कह दे कि भी देखते ही गोली मार दी जाएगी, मतलब ऐसा भी कोई लिख दे कानून में। हालांकि हमारे मित्र हैं प्रशांत भाई, ये तो वकील हैं, ये तुरंत कहेंगे बताब जी ऐसा कह दे, मैं हाइपोथेटिकल बात कह रहा हूं। ठीक, तो भी जिसको पता है कि एक रात में 50 करोड़, 100 करोड़, 200 करोड़ का खेल हो जाएगा, तो ऐसे अद्भुत व्यवसाय को कौन छोड़ेगा? वो सोचेगा जब पकड़े जाएंगे तब की तब देखेंगे। गोविंद जी, जी जी, मुझे तो अमिताभ जी ये लगता है कि इसमें अकाउंटेबल बड़े से बड़े अधिकारियों को बनाना चाहिए, और बल्कि अगर किसी कैबिनेट मंत्री को बना दे अकाउंटेबल कि पेपर लीक होगा और तो उसको इस्तीफा देना पड़ेगा, तो ये सारा लीक का दिक्कत खत्म हो जाए। ये मंत्री अपनी कुर्सी बचाने के लिए तो सारे तरीके अपना लेते हैं, लेकिन पेपर लीक बचाने के लिए कुछ नहीं अपनाते हैं। ये प्रशांत अभी आप बता रहे थे कि बीजेपी के कोई मंत्री नहीं है, यूपीटीईटी का पेपर जब लीक हुआ था तो अगले दिन बड़े बड़े अक्षरों में था कि बीजेपी के नेताओं का इन्वॉल्वमेंट इस पूरे पेपर लीक में, और उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। तो नेता लोगों का तो वही हाल है, जब तक उनकी कुर्सियों पे बात नहीं जाएगी वो पेपर लीक पे उतनी गंभीरता से लेंगे नहीं, और इसके लिए सॉल्यूशन निकलना चाहिए, बिल्कुल निकलना चाहिए। साउथ इंडिया में मुझे याद है कि तमिलनाडु में पेपर लीक हुआ था एसआई का, बहुत पहले लीक हुआ था और रेयर होता है वहां, एसआई का पेपर लीक हुआ था 2018 की घटना है, उसमें तुरंत कार्रवाई हुई, दोषी गए और पेपर पूरे सेंटरों पे कैंसिल नहीं करना पड़ा, उस कुछ सेंटर पे जहां पेपर लीक थे उस सेंटर पे कैंसिल हुआ, जहां से तथ्य निकले थे उसमें कार्रवाई हुई। उस तरह का मॉडल यहाँ आ ही नहीं रहा है, क्योंकि सरकार इसको गंभीरता से ले नहीं रही है। हर सरकार, जो हिंदी भाषी क्षेत्रों में जितनी भी सरकारें हैं, किसी की प्राथमिकता में ये है ही नहीं। यूपीएससी जैसा मॉडल बनाया जा सकता है, जिसपे हम लोग पिछली बार भी बात किए थे अमिताभ जी, मुझे बहुत अच्छी से याद है। यूपीएससी जैसा एक मॉडल अगर बने तो उत्तर भारत से भी ये समस्या दूर हो सकती है। ठीक बात, लेकिन उससे कमाई रुक जा रही है गोविंद जी, उससे कमाई रुक जा रही है सरकारों की। लब बाबू, वजह है कि बोला लब बाबू, एक थोड़ा मेरे दिमाग में आ गया तो चर्चा कर ही लेता हूँ, आप पे आरोप नहीं लगा रहा, एक चर्चा है। खनन, आबकारी, देसी और मतलब नकली और असली दोनों तरह की शराब पर पैसा, खनन, जमीन पर कब्जा, वैध अवैध दोनों, उनमें पैसा, आरटीओ एक बड़ा है पैसा देने वाला, ऐसे कई विभाग हैं। क्या अब राजनीति को ये समझ में आ गया कि भाई साहब एक खनन जैसा विभाग ये भी है भर्ती, ऐसा कुछ समझ आ गया? लगता ऐसा है हमारे यहाँ किसी भी तरह के गलत कामों का प्रश्रय नहीं दिया जाता, चाहे किसी भी काम में जो भी संलिप्त हो गलत कामों में, आदरणीय नीतीश कुमार जी की खूबी रही है। एक बात बताएं, जब एक मिनट, ये उपेन गोविंद मिश्रा, प्रशांत पटेल हैं, जब ये लोग स्कूल में पढ़ रहे होंगे तब से नीतीश बाबू चीफ मिनिस्टर हैं क्या? हर पार्टी के साथ रह लिए, और आप कह रहे हो नीतीश जी के चलते, तो फिर ये कौन कर रहा है? ये श्री बाबू की सरकार है क्या? अमिताभ जी, गलत करने वाले लोग हर जगह होते हैं, और सभी लोग सही हो जाए ये संभव भी नहीं है। गड़बड़ लोग कहीं ना कहीं कुछ न कुछ होते हैं, और हम हमेशा उस पर नकेल कसते रहे ना, कार्रवाई करते रहे। भैया, एक अभी हमने वीडियो देखा लव सिंह जी, हम बड़ा उससे क्षुब्ध हुए, आपके शिक्षा मंत्री बिल्कुल निर्लिप्त वैराग्य भाव से लड़कों के साथ खड़े हैं, कह रहे, लड़के पूछ रहे रिजल्ट, बोले रिजल्ट वो तो जो उसका आंकड़े थे वो कोई ले गया, किसी का नाम बता रहे, हम बोले हैं उसको के पकड़ो, उसको देखो कहाँ है आंकड़ा, अब वो सब डाटा ले गया, अब क्या हाथ मिलेगा रिजल्ट? चलो गजबे हो गया,
भीड़ बकरिया जैसी व्यवस्था कर दी क्या महाराज? यूनिवर्सिटी से डेटा ही कोई ले गया, मंत्री हाथ झाड़ के अपना मौज ले रहे हैं, और आप कह रहे हो कि नीतीश जी ने बड़ी सख्ती कर दी, कैसे मान ले? नहीं, सख्ती हमने दिखाया है जी, सिर्फ कहने की बात नहीं है, हम कहने वाला काम में विश्वास नहीं रखते। नीतीश कुमार की सरकार हमेशा इस तरह के मुद्दों पर संवेदनशील रहती है और कठोर से कठोर कदम उठाती है। और आज तक एक तो मुझे लगे जितनी भी कार्रवाइयां हुई है, जो है ना, ये बहस में प्रतिबंधित हो जाना चाहिए कानून से। इस शब्द ने और रेड़ मार दी, हर आदमी ये कह के बच जाता है बहुत संवेदनशील है, बहुत गंभीर है मसला। अब इसके आगे क्या बोलो भैया? पंकज बाबू, मैं एक आंकड़ा देख रहा था, राजस्थान के बहुत बड़े अखबार ने छापा है प्रामाणिकता के साथ, 13 साल मतलब, 13 साल मतलब अशोक जी का ये 5 साल, वसुंधरा जी का 5 साल, और उससे आधा अशोक जी का उससे पहले का, ऐसा हो गया लगभग। ठीक, उसमें 11, 12, 13 ही साल में उतने लगभग उतने ही पर्चे आउट हुए भगवान के आशीर्वाद से। क्या इसका मतलब पर्चा आउट कराने के कंपटीशन में अशोक जी वसुंधरा जी बिल्कुल बराबरी पर चल रहे हैं? कहीं कोई ऐसा नहीं कि भगवान की कृपा से कोई एक इंच नीचे हो भाजपा कांग्रेस? क्या फिर भी आप यही कहते हो कि बहुत गंभीर है, संवेदनशील मामला है, दोषी बख्शे नहीं जाएंगे? 3 बातें, बहुत गंभीर है, संवेदनशील मामला है, दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। जब तक इस ये बात आपकी ही खत्म हो तब तक दूसरा पर्चा आउट हो जाता है। वसुंधरा जी का राज देख लिया, अशोक जी का देख लिया, सचिन पायलट को बना नहीं रहे ये लोग, नहीं उनका भी देखें, क्या करें भैया? पंकज जी बताओ। देखिए, मैं निश्चित तौर पर मानता हूं कि कुछ खामियों की वजह से पेपर लीक हुए हैं, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस में बहुत बड़ा अंतर है, वो आपको जानना पड़ेगा। बीजेपी की सरकार में लगातार पेपर लेकर लगातार पेपर लीक हुए, लेकिन उन्होंने कोई व्यवस्था स्थापित नहीं की, कोई कानून नहीं बनाया जिसकी वजह से जो अपराधी है वो पकड़े जाए, उन पर कार्रवाई हो सके। आदरणीय अशोक गहलोत मुख्यमंत्री जी ने इसका संज्ञान लिया, उन खुद भी इस चीज को लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, और उन्होंने 6 अप्रैल 2022 को इस कानून को विधानसभा में लेकर आए, एंटी चीटिंग बिल को, और उसके बाद उसमें जो प्रावधान किए वो आप मानेंगे कि उन्होंने जो जुर्माना लगाया, जो कारावास की सजा है 1 लाख तक का जुर्माना है, उसके अलावा 3 साल की कारावास। गजब करते हो यार, जिस काम में 100 करोड़ रुपया रात में आ रहा है 1 लाख का जुर्माना लगा रहे हो, उसे क्या वो क्या फर्क पड़ रहा है? अरे बीडीपी के फेंक देता आदमी 1 लाख रुपए में, अपराधी की गंभीरता और लिप्तता को देख के ये जुर्माना की राशि भी बढ़ाई जाएगी और कारावास की जो सजा है वो भी बढ़ेगी। लेकिन मैं एक चीज और कहता हूँ, और इसके अलावा आप देखिए जो पेपर करवाने का ट्रांसपोर्टेशन सिनेमा कर दिया, कंट्रोल रूम बना दिए गए हैं, कंट्रोल रूम के अलावा जो टीचर्स इस पे लगेंगे ड्यूटी के लिए लगेंगे उनको भी रोटेशन सिस्टम में हम लोगों ने एस्टेब्लिश कर दिया है। तो कहीं ना कहीं मैं ये मानता हूँ कि देखिए पेपर तो लीक हुआ है इसे मैं मानता हूँ, और मैं ये भी मानता हूँ कि कहीं कहीं कमियां और खामियां रहेगी, इस चीज को हम गंभीरता से ले भी रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमें एक चीज में जो मैं कह रहा था बाद में उस समय हम नेटवर्क की वजह से कह नहीं पाया, कहीं ना कहीं केंद्रीय स्तर पर इन चीजों को देखना पड़ेगा, क्योंकि ये पेपर किसी एक जॉब की बात नहीं है। राजस्थान में तो जॉब का पेपर हुआ, लेकिन आपने देखा होगा पिछले कुछ समय में नीट का पेपर लीक हुआ, उससे पहले सीबीएसई में पेपर लीक हुआ था, और लगातार अलग अलग राज्यों में पेपर लीक हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक केंद्रीय स्तर पर कमिटी बने और एक केंद्रीय कानून बने जो सब पूरे देश में इस पर विस्तारित रूप से काम हो सके और इस पर लगाम लगाई जा सके। ठीक,